वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एयरलाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको बनाने के लिए मैंने सिंपली लेस ले ली है बारीक सी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक ले लिया है जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशली रहने वाला है फैब्रिक। तो वेलवेट फैब्रिक मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 मीटर। तो 2 मीटर फैब्रिक से मैं एयरलाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीख लेते हैं। तो इसके लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे पहले डबल फोल्ड कर लिया उल्टा करके, और इसके बाद इसको मैं फोर फोल्ड कर लूँगी। अच्छे से आपको इसको बिछा लेना है फोर फोल्ड करके। तो मैंने इसको बराबर करते हुए अच्छे से बिछा लिया है फोर फोल्ड करते हुए इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसकी मेज़रमेंट ले लूँगी, तो मेज़रमेंट में अपने अकॉर्डिंग लूँगी। तो आप अपनी मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो 7 इंच शोल्डर साइज़ मैंने ले लिया है, ऊपर से आमो ले लूँगी 8 इंच। तो शोल्डर में 1 इंच कम ही रखती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े नहीं रखती हूँ, तो इसलिए आप चाहो तो बराबर रख सकते हो दोनों को 8 इंचज़ पे। तो आमूल को मैंने 8 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर दिया। इसके बाद फ्रंट वाला आमूल हमारा हल्का सा अंदर को रहता है, इसको मैंने मार्क कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको मार्क कर लूँगी 7 इंच पे। ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया। इसके बाद यहाँ पे 10th इंच पे मैं इसकी लूजिंग रख लूँगी। तो 10th इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद एक मार्क कर लूँगी मैं इसको 11.5 इंच पे। तो ये मैंने इसको मार्क कर दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से रख लूँगी मैं इसको इस तरह से। मैं पहले इसकी लेंथ ले लूँगी, तो लेंथ जितनी भी हमारे फैब्रिक की उतनी मैं रख लूँगी। तो 2 मीटर से भी कम ही हमारा फैब्रिक है, तो इसकी लेंथ आ रही है यहाँ पे 37 इंच। तो पूरे को मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद नीचे से इसकी विड्थ ले लूँगी मैं यहाँ पर 17 इंचज़ पर। तो 17 इंचज़ पर मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे इन तीनों को मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक पे मिला दिया। अब नीचे से मैं इसको इस तरह से बाहर निकालते हुए मिला दूँगी। तो ये नीचे से मैंने इसको मिला दिया है। अब यहाँ से मैं इसको 3 इंच का डीप रखूँगी, बराबर साइड से 3 इंच का डीप रखते हुए मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ से 9 इंच पर मार्क किया मैंने इसको, और इसके बाद जो मैंने मार्क किया है यहीं तक के मैं इसको डीप कर दूँगी। तो इन दोनों मार्क को मैंने मिलाते हुए इसको डीप कर दिया है बराबर साइड से। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा निशान रहने वाला है, ये वाला निशान हमारा रहने वाला है मार्जिन का। तो ये मैंने 2 इंच का मार्जिन इसको बचा दिया है। तो ये कुर्ती को मार्क हो गया है। अब इसके बाद हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर को मैं यहाँ पे 1 इंच का डीप रखूँगी इधर से, और उधर से मैं इसको हाई रखूँगी इस तरह से। आड़ा सा मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद कुर्ती को मार्क हो गया है। अब मैं कुर्ती को कटिंग करती हूँ। जहाँ जहाँ पर मार्क किया है वहीं वहीं से मैं इसको कटिंग कर लूँगी बाहर वाले मार्क से। तो सिंपली मैं इसको यहीं ऐसे शोल्डर से कटिंग करना स्टार्ट करूँगी, और जहाँ जहाँ पे मैंने इसको बाहर वाला ये मार्क किया है यहीं ऐसे मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने इसको कुर्ती को कटिंग कर लिया है इस तरह से, और ये हमारा जो फैब्रिक बचा है इसमें से मैं स्लीव्स एंड गले के लिए ये काम आ जाएगा। तो फैब्रिक को मैं साइड पर रख दूँगी और कुर्ती को मैं स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो इसमें से पहले मैं फ्रंट वाला पार्ट अलग निकाल लूँगी अपना, और बैक वाला पार्ट अलग रख दूँगी साइड पर। तो फ्रंट वाले पार्ट को मैं फिर से इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी अच्छे से, और फोल्ड करने के बाद जो मैंने इसके आमोल को अंदर को मार्क किया है इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसके नेक को रेडी करूँगी। तो नेक को मैं ऑलरेडी बिठा लूँगी, तो इसको मैं ओपन कर लूँगी, और नेक को मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये मैंने नेक ले लिया है। यहाँ पे पेस्टिंग को मैंने आयरन से इस पर सेट करते हुए बराबर साइड से जस्टली इसको फोल्ड कर दिया है। इसके बाद बीच में स्टिचिंग लगाऊंगी कच्चा, और साइडों पे स्टिचिंग लगा लूँगी पक्का करते हुए। तो ये मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है, और थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक बचाते हुए मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसको उल्टे की साइड पर टर्न करते हुए इस तरह से रख लूँगी, और इसी के साथ साथ मैं इसको लेस लगाऊँगी, या फिर आप पहले स्टिचिंग लगा लें उसके बाद लेस लगा लें। तो इसको मैं साथ साथ यहाँ पे लेस भी लगा दूँगी इस तरह से। ये बारीक वाली जो मैंने लेस आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई है, इसके पूरे राउंड को मैं लेस लगा दूँगी और स्टिचिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने नेक को रेडी कर लिया है लेस के साथ। अब इसके बाद बैक वाला पार्ट में ले लूँगी। तो बैक वाले पार्ट को मैंने ऑलरेडी पेस्टिंग का नेक बना लिया है, इसको मैं लेस नहीं लगाने वाली हूँ। तो सिंपली यहाँ पे दोनों पार्ट को एक साथ जॉइंट करते हुए रख दूँगी, और इसके बाद शोल्डर को स्टिच कर लूँगी। और शोल्डर स्टिच करने के बाद मैं इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा लूँगी। मैंने 2-2 इंचज़ का मार्जिन रखा था, तो उतना ही मैं इसको स्टिच कर लूँगी नीचे तक के ऑफ़ कर दूँगी। और इसके बाद नीचे से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, बारीक बारीक सा सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा दूँगी पूरे को। तो मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है यहाँ पर फिटिंग की भी, और ऊपर शोल्डर को भी ज्वाइंट कर दिया, नीचे से भी फोल्ड कर दिया है मैंने इसको इस तरह से।
और इसके बाद मैंने कुर्ती को सीधा करके रखा हुआ है। अब इसके बाद स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कटिंग एंड स्टिचिंग करके रखा हुआ है। जो हमारा फैब्रिक साइडों से बचा था उसी फैब्रिक से और नीचे से फोल्ड करने के बाद मैंने इसको लेस लगा दी। इसके बाद बराबर वाली फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है। अब इसके बाद मैं इसको इसमें जॉइंट कर लूँगी आर्म होल में कुर्ती के, और दूसरे वाले स्लीव्स को भी दूसरे वाले आर्म होल में जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से हमारे स्लीव्स इसमें जॉइंट हो जाएंगे। और इसके बाद नीचे में मैं इसको लेस लगाऊंगी, जो मैंने स्लीव्स को और नेक को लगाई है वही लेस मैं इसके पूरे राउंड को लगा लूँगी। इस तरह से रखते हुए इसके पूरे घेरे को मैं लेस को लगा लूँगी और स्टिचिंग कर दूँगी इसको। और इसके बाद हमारी कुर्ती का फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल सी और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको नीचे में लेस लगा ली है और इसके बाद कुर्ती हमारी जो है रेडी हो गई है। सिंपल सी वेलवेट एयरलाइन कुर्ती हमारी बहुत ही इजी और परफेक्ट बनकर के तैयार हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने पैंट ट्राउज़र भी बनाया है। अगर आप इस पैंट ट्राउज़र का कटिंग एंड स्टिचिंग भी देखना चाहते हो तो आपको इसका लिंक, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।